बहुत बढ़िया, मतलब बिना फालतू में ना बंदा ने जो ठोका है ना भाई, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ही बात है गाइस, क्या ही बात है इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर की क्या बात है। व्हाट्स अप पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सो चेक मारो इसकी स्पीड को गाइस, और क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या ही जबरदस्त पावर भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं इसको कुछ देर पहले मैं इतना खतरनाक तरीके से राइड कर रहा था ना भाई साहब, मतलब क्या ही कमाल की इसकी पावर है ना, क्या ही कमाल की यार। हर चीज़ ऐसी हुई हुई है ना कि बस आप पूछो मत, बस थोड़े से गड्ढे फड्ढे हैं ना उसकी वजह से, तो थोड़ा सा देखो स्पीड में तो ब्रेकर आते ही हैं, स्पीड में ब्रेक। हाँ जी, और बताइए गाइस क्या हाल चाल है सब लोगों के। सो सब बढ़िया चल रहा है ना, तो बढ़िया ही चलता रहना चाहिए गाइस। और वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो ना गाइस, तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिएगा गाइस। और ऐसे ही प्यार बना के रखिए गाइस, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की पल पल इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं अपने YouTube की फैमिली को ग्रो करने में गाइस। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप लोग लाइक करते हो ना वीडियो के ऊपर, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, हर चीज़ आप डिस्कस करते हो। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में अपनी एवेंजर की वीडियोस में जो मतलब बाइक स्टार्ट होने की प्रॉब्लम में थोड़ा सा इशू आ रहे थे बैटरी का, हर चीज़ का, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताते, सजेशन देते हैं, आप पूछते हैं कि कौन सी बैटरी है, ये सब चीज़ें एंड ऑल आप डिस्कस करते रहो, तो गाइस बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हर चीज़ों से। तो थैंक यू सो मच गाइस, और बहुत बढ़िया, मतलब बिना फालतू में ना बंदा ने जो ठोका है ना भाई, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपनी बाइक को कम से कम गाइस 2 साल के आसपास होने जा रहे हैं, 2 नहीं मेरे ख्याल से 3, आई थिंक 3 साल के आसपास होने जा रहे हैं शायद। और बाइक 2000 आई थिंक 21, अब ये मेरे को कंफर्म नहीं है, 2021 में ली थी मे बी, शायद 2-2.5 साल के आसपास हो रहे हैं, लेकिन बाइक का परफॉर्मेंस ना आज भी वैसा का वैसी है। बस थोड़े मोड़े मेरे को इशू फेस हुए हैं इस बाइक में, बाकी कोई मेरे को ऐसी अभी तक मेजर इशू अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो बजाज में ना बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको लोग बोलते हैं कि यार हमारी बाइक में अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, ये वाली प्रॉब्लम आ गई। सो मेरी बाइक में भी एक प्रॉब्लम आई थी जो कि मैप सेंसर की थी गाइज, उसमें क्या था कि अपना बार बार चेक इंजन लाइट की जो वार्निंग थी ना वो आ रही थी, तो कुछ स्कैनर स्कैन करके भी उन्होंने करा, लेकिन उसके बाद भी फिर वही चीज़ की प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। लेकिन जब मैप सेंसर चेंज हो गया ना गाइज, तो वो चीज़ भी ना बिल्कुल सही हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम जो है ना मेरे को, मेरी बाइक में बैटरी का इशू बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लीजिए जब से मैंने बाइक ली है, सो विंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगी थी बाइक। तो मैंने सोचा कि भैया नई नई बाइक है तो हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा बहुत ऐसे इशू आते होंगे ठंड में, या फिर मतलब नॉर्मली सारी बाइकों में ही ये दिक्कत आती है वैसे नॉर्मली, कि ठंड में बाइक स्टार्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करती है, लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी थी ना, अनयूजुअल इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होने लगी थी गाइज, मतलब यार हद से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगा था ना, तो लिटरली अगर मैं इन चीज़ों को अगर शोरूम में ठीक कराने जाता या फिर मैं उसको उनको बताता कि ये वाली चीज़ है, तो वो 100% ना इंजन में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट बताता जिसकी वजह से थोड़ा मोटा खर्चा होता। तो खुद ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब जब आप राइडिंग
कंटिन्यू बेस पे करते हैं ना, तो आपको 22 के ऊपर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो आपको पता लगने लगती है कि भाई हमारी बाइक्स में ये प्रॉब्लम यहाँ से हो सकती है। तो कुछ ऐसी नॉलेज भी रखनी चाहिए ना कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइक में अगर ये इशू है तो इस चीज़ पे से ये इशू फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर यही फॉल्ट है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना गाइस कि उन चीज़ों को ना वो प्रॉपरली बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो आपको प्रॉपरली चीज़ बताएंगे कि हाँ भाई ये वाली चीज़ में ना आपकी दिक्कत है, तो आपको कोई ज़्यादा महंगा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको चेंज कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई देखो फालतू का खर्चा जो होता है ना, जिसकी कोई नीड नहीं होती ना, अगर वो खर्चा हो जाता ना तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। लेकिन मैं जितनी डेली बेसिस पर बाइक चलाता हूँ और बाइक्स की थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है ना, तो मैं वो डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों से। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगती हैं, पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, यही आपसे एक डिस्कशन था। और गाइज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे वॉच। और गाइज चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।